विदिशा जिले के शमशाबाद में नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर परिषद के अधिकारियों ने मंदिर की सड़क पर हो रहे अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया, जिसे लेकर लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कई लोगों के मकान बिना पट्टे के बीच रोड के किनारे अतिक्रमण में बनाए गए, लेकिन उनको नहीं तोड़ा जा रहा है। आज उन्हें क्या है, गिन गिन के वो चुन चुन के भेदभावपूर्ण अतिक्रमण तोड़ रहे हैं। शमशाबाद में और तो कहीं अतिक्रमण है नहीं, और जिनके तो प्लाट के पट्टे तक नहीं है उनके मकान तो अभी तक नहीं टूटे, लेकिन ये टीन सेट और ये हमारा ये जो हमने चबूतरा बनाया था ये तोड़ दिया। आगे आप क्या करेंगे? आप जी करेंगे कि भाई इनसे बोलो, नगर परिषद से, नगर पंचायत में जो भी कोई है कि जिनके प्लाट के पट्टे तक नहीं है उनके मकान तोड़े ना, और कहीं दिख नहीं रहा उन्हें शमशाबाद में, सिर्फ अकेले ये दो दिख रहे थे टीन सेट। हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत रूप से रंजित बनाई गई है। इसका दोषी किसको है? नगर पंचायत को। ऐसे इकट्ठे करके बड़ी मुश्किल से मकान बनाया था। अतिक्रमण में नहीं था, देखिए आप कंडीशन देख सकते हैं, फिर भी इसको तोड़ दिया गया। पता नहीं क्या मिला, अगर हम अतिक्रमण में आ रहे थे हमारे कारण किसी की प्रकार की समस्या हो रही होती तो बात अलग थी। क्या शमशाबाद में इसके अलावा और कहीं अतिक्रमण नहीं? बहुत जगह अतिक्रमण है, नहीं उस साइड सब जगह है, और कहीं अच्छा ये बताइए, अतिक्रमण तोड़ने के पहले आपको मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया गया? हाँ, मेरे को बोला गया कि बिना नोटिस के भी आप तोड़ सकते हैं। स्थल पर मंदिर है, यहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण मेन रोड पर टीन सेट लगा के, जीना लगा के और स्टील के लगा के रास्ता अवरोध कर दिया है। इस कारण से रास्ता खोलने की हमने कार्रवाई की गई है नगर पालिका की तरफ से। अच्छा, नगर में और भी कहीं है? और भी जगह है जहाँ को हमको लगेगा हम बिल्कुल अतिक्रमण तोड़ कर रास्ता क्लियर करेंगे। इनके लिए पहले क्या नोटिस जारी किया? नोटिस भी हमने इनको जारी किया, किंतु इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। कुछ लोगों ने बताया कि और भी अतिक्रमण में फुल मकान बन रहा है, उन पर कार्रवाई, उनको भी तोड़ने की कार्रवाई होगी। हमारी चल रही कार्रवाई आगे चल रही।